तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब इसको प्रूव करते हैं। मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है और ये एक वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट के अंदर लाइट आई, लाइट ही लाइट है वैसे तो, लाइट ही लाइट है, पर मैंने तीन रेज बना ली, एक कॉर्नर की और एक बीच वाली, सिंपल समझाने के लिए। वैसे तो दो ही बना लेता तो भी सफिशियंट थी, ये वाली तो भी चलता था, मुझे इसकी रे की जरूरत है नहीं वैसे। तो इसके अंदर ये एक वेव फ्रंट आया, जैसे मैंने बताया ये एक वेव फ्रंट आया और सबसे पहले इस लाइट ने इसे हिट किया। ये भी समझ में आ रहा है, इस लाइट ने इसे हिट किया। तो जब तक ये वाली लाइट 90 डिग्री पे आएगी, इसे हिट नहीं करती मिरर को, वेव फ्रंट नहीं बनेगा, और जैसे हिट करेगी तो वेव फ्रंट बनेगा। तो सबसे पहले क्योंकि इसने हिट किया तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा और ये वेवलेट निकालेगा, बाकी लाइट धीरे धीरे हिट करती जाएगी तो वेवलेट निकलते जाएंगे। तो जब ये हिट करेगी तो नया वेव फ्रंट बनेगा। तो जितनी मान लो यहां से यहां लाइट ने कितना समय लिया टी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा सी इन टू टी। सी इन टू टी क्यों? क्योंकि सी स्पीड ऑफ द लाइट है और टी इसमें टाइम है। तो डिस्टेंस सी इन टू टी टाइम में ये लाइट यहां से यहां आएगी तो उतने टाइम में, ये जो वेवलेट तैयार हो रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा सी इन टू टी यहां पे। बस फर्क ये है कि इसने यहां जाना है, इसने यहां जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इमेजिन करेंगे एक पूरा वेवलेट है, मान लो ये पूरा वेवलेट तैयार करेगा, ये वेवलेट वेवलेट वेवलेट, तो इसका रेडियस क्या होगा सी इन टू टी। जैसे इसका रेडियस सी इन टू टी होगा, इसका मतलब इसने भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया सी इन टू टी। तो बस यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस वेवलेट पे और ये क्या तैयार हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो हाइगंस प्रिंसिपल से हमें ये पता लगा कि अगर ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है और बीच में मिरर है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इतना आसान नहीं है बनाना जैसे हम सोच रहे थे कि बस प्लेन के आगे प्लेन होगा। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे तैयार होगा। अब इसमें ये वेव फ्रंट आया, ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के साथ लाइट ने एंगल क्या बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि वेव और जो वेव फ्रंट है वो 90 डिग्री पे होता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई तो ये और ये भी 90 पे हैं, तो ये एंगल क्या बन जाएगा आई, एंगल इज आई, ठीक है। उसी तरीके से ये रे जा रही है नॉर्मल के साथ आर, तो ये एंगल 90 माइनस आर, तो ये एंगल आर, ठीक हो गया यहाँ तक। तो मुझे प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, पहला ये ट्राइंगल लूंगा और दूसरा ये ट्राइंगल लूंगा। इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों में 90, बेस दोनों में कॉमन, और ये डिस्टेंस कितना सी इन टू टी, और ये डिस्टेंस भी कितना सी, तो ट्राइंगल तो इक्विलेटरली हो गए, तो खत्म हो गया काम। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। करना कुछ नहीं है, डायग्राम ही ड्रॉ करना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लिए, एंगल 90 90, बेस कॉमन है और डिस्टेंस भी इनकी साइड भी बराबर है, तो प्रूव हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डन। तो यही किया हुआ है, बेस कॉमन है, एंगल 90 है, डिस्टेंस सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएंगे एग्जैक्टली सेम।